पंजाब में स्वीडिश मॉरल गवर्नेंस कायम करने का फैसला, वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास। इमरान खान ने 40 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज दिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को वजीर सेहत बनाए जाने का इम्कान। मियाँ महमूद रशीद हाउसिंग, मियाँ असलम इकबाल को स्मॉल इंडस्ट्रीज की वजारत मिलेगी। फयाजुल हसन चौहान को इतलात। अब्दुल अलीम खान को बल्दियात मिलने की तवक्को। सप्तैन खान को जरात और माइनिंग का महकमा दिया जाएगा। राजा यासर हायर एजुकेशन, मुराद रास को प्राइमरी एजुकेशन मिलने का इम्कान। बहादुर दरेशे को खजाना, जहां से किसी को लाइफ स्टॉक की वजारत मिलेगी। राजा बशारत वजीर पार्लिमानी अमूर बनाए जा रहे हैं। वजीर आला और वजरा की कारकर्दगी का जायजा टास्क फोर्स लेगी। खराब कारकर्दगी पर पहले वार्निंग, फिर वजारत से फारिग किया जा सकता है। वजीर सिर्फ एक स्टाफ गाड़ी इस्तेमाल कर सकेगा। वजीर आला सेक्रेटेरिएट की इजाफी गाड़ियाँ नीलाम कर दी जाएंगी। पंजाब पुलिस के सरबरा को भी तब्दील करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने 3 नामों का पैनल पंजाब हुकूमत को भेज दिया। मोहम्मद ताहिर खान, खालिद दादलक, फैसल चाहकार के नाम आईजी पंजाब के लिस्ट में शामिल। हतमी मंजूरी वजीर आला पंजाब देंगे। मरकजी जमीयत अहले हदीस का सदारती इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार की हमायत का फैसला। इलेक्शन में धांधली को बेनकाब करने के लिए पार्लिमानी कमीशन की तश्कील का भी मुतालबा। आम इंतखाबात के नतीजे इंजीनियर थे। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर का मरकजी मजलिस आमला में खिताब। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। आज करप्ट और झूठ बोलने वाले कामयाब हैं। जमात इस्लामी ने कभी ऐसा रास्ता नहीं अपनाया। इस्लाम फसाद फिलर्स की इजाजत नहीं देता। मुल्क में दीन इस्लाम के नफाज के लिए पुरम तरीका अपनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जमात के 77वें यौम तासीस से खिताब। वजीर आला पंजाब से स्टेशन कमांडर पाकिस्तान नेवी डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद की मुलाकात। पाक बहरिया की पेशावराना सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। पीटीआई एमपी नदीम अब्बास बारा से भी मिले। बोले ने पाकिस्तान के लिए मेहनत और जाफशानी से काम करना है। वजीर आला पंजाब से तहसील तौनसा के मौजजीन के वक्त की भी मुलाकात। वजीर रेलवे ने अफसरान की हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हफ्ते की छुट्टी का सवाल ही नहीं पैदा होता। 1 घंटा मजीद काम करेंगे, 130 दिनों में रेलवे को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। शेख रशीद का दावा, अभी बड़ी मछलियों पर हाथ डालेंगे। रेलवे के किराए बढ़ाने का फैसला नहीं किया गया। शेख रशीद की रेलवे हेडक्वार्टर में इजलास की सदारत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। ट्रेन से रेलवे अफसरान उतरने लगे। चीफ कमर्शियल मैनेजर हनीफ गुल का वजीर रेलवे के मातहत काम करने से इनकार। कहते हैं शेख रशीद मातहतों के साथ सरकारी अदाब से आ रही हैं। इज्जत सबसे मुकदम है। हनीफ गुल ने 2 साल की छुट्टी की दरखास्त दे दी। पाक भारत आबी तनाजा मुजाकरात कल होने का इम्कान। भारतीय वक्त लाहौर पहुंचेगा। मुजाकरात में सिंतास मुआहदे के तहत दोनों मालिक के दरमियान पानी के मसाइल पर बात होगी। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मिलाद काउंसिल के जेर एहतमाम ठोकर न्याज बेग पर रैली। पीटीआई एमपीए और कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका की हॉलैंड के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सफारती तालुकात खत्म करने का मुतालबा। तहरीक लबैक के रहनुमाओं का 29 अगस्त को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। हॉलैंड की मसनूआत के बॉयकॉट का फैसला।
मुफ्त खाना न मिलने पर गुंडागर्दी, लीगी वाइस चेयरमैन के बेटे की अंधाधुन फायरिंग, टिब्बी सिटी में होटल वेटर को शदीद जख्मी कर दिया। वाइस चेयरमैन अंदाज हुसैन का बेटा वकास साथियों समेत होटल आया, मुफ्त नाश्ते का तकाजा किया, इनकार पर आपे से बाहर हो गया। होटल के गरीब मुलाजिम अनवर शहजाद को जख्मी करके फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पार्क में प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल का मामला, तफ्तीश के लिए आए साबिक पुलिस इंस्पेक्टर, आबिद बॉक्सर और मुदई फरीक में तल्ख कलामी। सीआईए नवाकोट ने आबिद बॉक्सर समेत 7 अफराद को रिहा कर दिया। रायमंड के विस्टा पार्क में बच्चों का कश्ती झूला टूट गया, झूला कई फिट हवा में उछलने के बाद गिरा, 2 बच्चे जख्मी हो गए। हादसा झूले का लॉक लूज होने की वजह से पेश आया। पार्क के 2 मुलाजिम गिरफ्तार, वालदेन ने मालिक के खिलाफ इंदराजे मुकदमा की दरखास्त दे दी। शहर में डाकू भी लगाम, पुलिस पकड़ने में नाकाम, वाबड़ा टाउन में वारदातें थम ना सकी, 10 रोज में 5 घरों का सफाया, चोर लाखों की नकदी और सामान ले गए, अहले इलाका सरापा एहतजाज, चोरी की एक और वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल, गुलशन रावी में शहरियों ने चोर पकड़ लिया, खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा यूनियन सड़कों पर आ गई, रिक्शे खड़े करके लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, कीमत कम न होने की सूरत में मुलगीर एहतजाज की धमकी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मेयर लाहौर मुतहरिक हो गए, मॉल रोड के बड़े हिस्से से बैनर्स उतार दिए गए लेकिन मुकम्मल सफाया ना किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के करीब ही सियासी जमातों के बैनर्स ताहाल मौजूद, बत्ती चौक, मोहनी रोड, भाटी चौक में भी सियासी जमातों के फ्लेक्सेस देखे जा सकते हैं। रिजवान गार्डन फेज 2 सोसाइटी मनावा में सीवरेज का नाकिस निजाम, गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। इलाका मकीन अजियत में मुब्तला, इमाम टाउन ताजपुरा में गंदा पानी गलियों में दाखिल, इलाका जौहड़ का मंजर पेश करने लगा। एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप के लिए 26 खिलाड़ियों का ऐलान, खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, फखर जमाम, इमामुल हक, बाबर आजम, शुएब मलिक, शादाब खान शामिल, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, हारिस सुहेल, जुनेद खान को भी बुलावा। ट्रेनिंग कैंप आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में लगाया जाएगा। ईद के साथ इतवार की बोनस छुट्टी, शहरियों के नॉन स्टॉप सैर सपाटे, चिड़ियाघर में फैमिलीज का रश, बच्चे जानवरों की अदाओं से खुश, ग्रेटर इकबाल पार्क में भी गहमा गहमी, सुसो वाटर पार्क में खूब हल्ला गुल्ला मौज मस्ती, रावी किनारे भी लाहौरियों के डेरे, कश्ती रानी से लुत्फंदोज हुए। और हब्स के मारे लोगों पर कुदरत मेहरबान, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चलने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे, कल भी मौसम अबरअलूद रहने और बारिश का इम्कान है। बैंक में मौसमी आग।